जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं एडी लाइव। पार होके अब वहाँ स्थापना दिवस की ओर जा रहा मंदिर, 1 अप्रैल को स्थापना दिवस के 1 वर्ष पूर्ण करेगा। भेज दूंगा भैया को। दक्षिणा समर्पयामि महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमः। और अभी तो शुरुआत भर है, अभी ट्रेलर है, झांकी अभी बाकी है। तो धीरे धीरे इसको जिस स्तर तक हम ले जाना चाह रहे हैं, ये भारत के नहीं दुनिया के पर्यटन के मानचित्र पर एक ऐसा माइलस्टोन बनेगा, एक ऐसी जगह बनेगी जहां हर लोग आना चाहेंगे। अब ये संख्या इतनी बढ़ क्यों रही है? जब किसी एक व्यक्ति की भी किसी स्थान पर जाकर इच्छा पूर्ति होती है, हमें स्मरण है जब हम छोटे थे तो वैष्णो देवी जाने वालों की संख्या 5-7 हजार होती थी, आज प्रतिदिन 50 हजार जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? वहाँ जाने से जिन लोगों की इच्छा पूर्ति हुई, जिनको लाभ मिला, जो उससे लाभान्वित हुए, जो मन में था वो उनको वहाँ दिखा। और सबसे बड़ी जो आज के समय की आवश्यकता है, मानसिक शांति, तो वो दूसरे लोगों को जाके बताते हैं और जाते हैं। यहाँ जो इतने लोग बढ़ रहे हैं, जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं, उनको यहाँ आके जो अनुभूति होती है, जो फीलिंग होती है, जो इम्प्रेशन आते हैं, जो एक्सप्रेशन आते हैं, वो सर्वत्र जाके उसको बताते हैं कि भाई उस मंदिर में जाने के बाद हमारे अंदर ये परिवर्तन आया, हमको ये प्राप्ति हुई। तो वो एक व्यक्ति के बताने के कारण जितने भी उतने और लोग आते जाएंगे। तो इसी तरह इस क्षेत्र की महिमा जो है, क्योंकि यहाँ पर साक्षात भगवती स्वयं विराजमान है। मंदिर तो बहुत है, हर जगह बनते हैं, रोज कितने बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भगवती साक्षात स्वयं आकर विराजमान हुई है और उसका लाभ निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लोगों को मिलना है। और इस क्षेत्र के लोग दूसरे लोगों को बताएंगे तो वो भी आना है। खाली देश से नहीं, धीरे धीरे विदेशों से भी लोग यहाँ आएंगे। कुछ ऐसे आकर्षण और कुछ ऐसी चीज़ें, भविष्य की भावी योजनाएं हैं। हर काम में समय लगता है और सबसे ज़्यादा आवश्यकता है किसी भी स्थान के विकास के लिए, जब तक स्थानीय प्रशासन और वहाँ की सरकार सहयोग नहीं दे तो उसमें विलम्ब होता है। लोगों के पास साधन सीमित हैं और सरकारों के पास असीमित हैं। अगर सरकार उसमें सहयोग देती है तो वो काम बहुत जल्दी होते हैं। हर काम में कुछ ना कुछ प्रशासनिक अड़चने आ जाती हैं, तो अगर वो नारे पर चर्चा करने वाले हैं, जैसे मुझे यहाँ आने के बाद सूचना दी कि 1 जनवरी को यहाँ 30 हजार लोग थे, अब आप दोनों को कंपेयर करें, तुलना करें, तो वैष्णो देवी में 45 हजार 1 जनवरी। जो युगों से है और यहाँ अभी 9 महीने का शिशु है और 30 हजार लोग महीना रखता है, इसी तरह ही तो उसको कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए हम लोगों को क्या व्यवस्था करनी है, यानी 2024 की प्लानिंग हमें अब लेके चलनी है। तो इस सारे विषय पर हम चर्चा करेंगे कि किसी को कोई असुविधा नहीं हो, स्थानीय प्रशासन का सहयोग रहे, लोग जितने भी आए सबको दर्शन हो और कोई धक्का मुक्की के बिना सब लोग आशीर्वाद प्राप्त कर सके। सब अगले साल ये उससे बढ़ के आने वाले हैं, तो उसकी व्यवस्था के लिए हम लोग तैयार रहेंगे।
और आप भी जो यहाँ के कर्मठ सेवा संस्थाएं हैं, समाज सेवी संस्थाएं हैं, वो भी उसमें व्यवस्था में आके सब सहयोग देंगे। संघे शक्ति कलो युगे कहा गया है कि कलयुग में संगठन में शक्ति है, जिसका संगठन मजबूत है वो कामयाब होता है। जब सब लोग मिलके यहाँ हम प्रयास करेंगे तो कितने भी लोग आ जाए, बहुत सुंदर मंदिर में आए, ये उनका काम है। आने के बाद वो क्या लेके जाएंगे वो तो स्वयं उनकी अनुभूति बताएगी। मैं कहूँ कि कई लोग तो खाली प्रसाद लेने आते हैं, कई लोग केवल घूमने के लिए आते हैं, कई लोग यहाँ अब धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे जैसे विकसित होगा तो खाने पीने से लेके सब कोई उसके मनोरंजन के लिए आएंगे। लेकिन जो सचमुच भगवती का आशीर्वाद लेने आएगा उसको बहुत कुछ मिलेगा और उसकी अनुभूति उसको स्वयं होगी। हम क्या बोलेंगे माता दरबार से, माता का कृपा है सबके ऊपर बनी रहे और आप लोगों के ऊपर भी बनी रहे, एडी लाइफ के ऊपर भी बनी रहे। मेरा तो यही मनोकामना रहेगा कि सबको आशीर्वाद में, और स्वामी जी बोल दिए तो उसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है। जय माता। एडी लाइफ का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही आप सभी को मिल रहे अपार प्यार सहयोग, उनसे भी ज्यादा धन्यवाद और आभार। एडी लाइफ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहे एडी लाइफ।